हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी एआर। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सेमीकंडक्टर फिज़िक्स। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगी जो टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली इस वीडियो में मैंने केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर की है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है, मैंने सिर्फ में वही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाली है। सबसे पहले पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी कोई भी पदार्थ है तो उसके जो उसमें अणु और परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको बोला जाता है अणु, और पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसको बोला जाता है परमाणु। अगर हम परमाणु को फर्दर क्लासिफाई करें तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये सब हम सब तो जानते हैं कि 1.6 होता है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि 1.602, कई बार ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये होता है प्रोटॉन पर चार्ज, कैसा, पॉजिटिव। और यही सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, वो होता है नेगेटिव। अगर हम इस जो वैल्यू लिखी है इसमें अगर हम माइनस का साइन लगा दें तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और हमें पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो न्यूट्रॉन पे कोई वैल्यू नहीं लिखी होती है। उसी तरीके से अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। वहीं अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इसमें अगर हम 1836 से गुणा कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि न्यूट्रॉन पे भले ही कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन उस पर द्रव्यमान होता है। वो कितना होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में 1836 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिल जाएगा। और जो अगला पॉइंट है कि नील्स बोर के अकॉर्डिंग सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं, और इन ऊर्जा स्तरों को क्या बोला जाता है, के एल एम एन ओ से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षाएं होती हैं। मतलब पहली कक्षा को के से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी कक्षा को एल से, तीसरी कक्षा को एम से, चौथी कक्षा को एन से, इसी तरीके से फर्दर रिप्रेजेंटेशन इनका किया जाता है। जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के भरने का जो नियम होता है वो होता है 2n² के अकॉर्डिंग। मतलब जो यहाँ पे जो n वैल्यू है वो कक्षा की नंबर है, कक्षा का नंबर संख्या है। जैसे मान लीजिए अगर पहली कक्षा है तो n की जगह पे हम 1 रखेंगे, दूसरी कक्षा है तो यहाँ पे n की जगह पे 2 रखेंगे। इसी हिसाब से अगर हम मान लीजिए तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरना है तो 3 रखेंगे n की जगह पे, तो 3 × 3 = 9 × 2 = 18, यानी कि तीसरी कक्षा में या m शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18। कहने का मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरे जाते हैं वो 2n² के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। हमें n की वैल्यू अगर कक्षा संख्या पता है तो हम उसमें बता सकते हैं कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। वहीं अगर इसका हम दूसरे नियम की बात करें तो जो आखिरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और यहाँ पे इन्होंने क्लोरीन का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया हुआ है। इसमें लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। हमें पता है कि इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगली स्लाइड देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आखिरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो आखिरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है मैंने कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड एट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटॉम। मतलब परमाणु की आखिरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उन्हीं को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। किसी शेल से संबंधित जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने दे रखा है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ पे एन जो है वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस पे बेस एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे अगर मान लीजिए हमें तीसरी कक्षा की या तीसरी शेल की एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित एनर्जी निकालनी है, तो हम एन की वैल्यू डाल देंगे 3, यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि 13.6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें तीसरी कक्षा की एनर्जी मिल जाएगी। वहीं अगर हम तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी कक्षा में आ रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला दे रखा है माइनस के 13.6 ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस के 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमें किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब हम एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये साइन माइनस को रिप्रेजेंट करता है। अगला टॉपिक देखते हैं, एनर्जी वैंड इन सॉलिड। देखिए अगर कोई भी क्रिस्टल है उससे हम एक आइसोलेटेड अगर परमाणु निकालें और उनका हम एनर्जी लेवल देखें तो हमें एक सिंगल लाइन या एक सिंगल पर्टिकुलर एनर्जी लेवल मिलता है, और जबकि हम पूरे क्रिस्टल का अगर एनर्जी लेवल देखें तो हमें एक एनर्जी लेवल ना मिल करके एक एनर्जी बैंड मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई परमाणु है उससे संबंधित आसपास के जो भी परमाणु हैं उनकी एनर्जी से आपस में इंटरेक्शन होता है, तो इस हिसाब से एक परमाणु की जो एनर्जी होती है वो एक सिंगल एनर्जी के रूप में नहीं आ पाती, जो बनती है वो एक बैंड बनती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अगर हम एक क्रिस्टल से एक आइसोलेटेड परमाणु निकाल दें अगर हम उसके एनर्जी लेवल देखें तो हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे पहले डायग्राम में दिखाई है, यहाँ पे एक पूरा फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल यहाँ पे एक सिंगल सिंगल लाइन के रूप में दिखाया गया है, जबकि जो सेकंड वाला जो इमेज है वो एक पूरा क्रिस्टल का है। क्रिस्टल के परमाणु के जो एनर्जी है उनका एक बैंड के रूप में दिखाया गया है। जैसे पहली कक्षा से संबंधित जो भी परमाणु होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी जो एनर्जी होगी वो बैंड के रूप में होगी। इसी तरीके से दूसरी और तीसरी कक्षा के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे संबंधित जो भी एनर्जी होगी वो बैंड के रूप में होगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो उनके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब करंट को फ्लो कराने के लिए हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना होता है। कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए हमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इंसुलेटर जो होते हैं वो करंट को फ्लो नहीं करते हैं या वो विद्युत के कुचालक होते हैं।
अगर हम इस तरीके से अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएं तो हमें पता है कि इंसुलेटर में करंट फ्लो हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा दें, चाहे भले ही हमें कितनी एनर्जी भी देनी पड़े, लेकिन हम उसको दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, यानी कि उसमें भी करंट फ्लो होने की संभावना कुछ बनती है। इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। अगला टॉपिक देखते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर बैंड में जो कंडक्टर होता है उनमें करंट फ्लो आसानी से होती है। क्यों? क्योंकि जो उनके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ना के बराबर होता है या होता नहीं है। यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इसमें यहाँ पे कोई एनर्जी बैंड गैप है ही नहीं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इसमें जो करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से कंडक्शन बैंड में उपस्थित होते हैं, तो इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे करंट को फ्लो कराया जा सकता है। सेमीकंडक्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे संबंधित एग्ज़ाम में हर बार कोई ना कोई प्रश्न आता है। देखिए, जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये लगभग कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो जाता है। जैसे जर्मेनियम के लिए यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है कि 0 डिग्री केल्विन पे, यानी कि परम शून्य ताप पे, परम शून्य ताप मतलब माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें कोई कितनी भी एनर्जी इन्वेस्ट करा दें, इसमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा। मतलब 0 डिग्री केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है वो पूरी तरीके से इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ओके, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल में बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने वाली नहीं है, बेसिकली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक वाला होता है उसमें जो फर्मी लेवल होती है वो मिड पॉइंट पे लाई करती है, और एन टाइप में कंडक्शन बैंड के नीचे और पी टाइप में बैलेंस बैंड के ऊपर। बस इतनी सी डायग्राम में आप इमेज बना लीजिए कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो फर्मी लेवल होगा वो मिड पॉइंट पे लाई करेगा, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें जो फर्मी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करेगा, और पी टाइप में बैलेंस बैंड के ठीक ऊपर लाई करेगा। सेमीकंडक्टर को यहाँ पे मैंने क्लासिफाई किया है कि किस तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। कैसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दें तो वो उनकी प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाती है, और पी टाइप और एन टाइप किस तरह से ये सेमीकंडक्टर बनते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर आर द सॉलिड मटेरियल आइदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स और कंपाउंड, मतलब ये सॉलिड मटेरियल की तरह भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। विच अलाउ इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू देम, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को पास होना अलाउ करते हैं। सो दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो करंट को फ्लो कराते हैं। जिस तरीके से जो धातुओं में करंट फ्लो होती है उसी तरीके से सेमीकंडक्टर में भी करंट फ्लो होती है। सेमीकंडक्टर पसेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, द रेजिस्टिविटी इज यूजली हाई, मतलब जो इनकी प्रतिरोधकता है वो साधारण तौर पे ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? कंडक्टर से, और कंडक्टर से तो इनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, लेकिन इंसुलेटर से इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो निगेटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब एक चीज़ को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें जो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब अगर हम उसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। चलिए अगला टॉपिक अगला पॉइंट देखते हैं। व्हेन सम सुटेबल मेटेलिक इम्प्योरिटी, जैसे हम अगर किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आर्सेनिक गैलियम को मिला दें तो क्या बनेगा हमारा, तो हमारा बनेगा पांच, ये क्या है, पांच संयोजकता का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम इसमें पांच संयोजकता का इलेक्ट्रॉन मिला दें तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे मान लीजिए जर्मेनियम या सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम में जो परमाणु के आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं चार, तो चारों इलेक्ट्रॉन चार चार से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और जो पांचवा इलेक्ट्रॉन बचेगा वो फ्री होगा, कंडक्शन के लिए फ्री होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दें तो उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। दे एग्जिबिट ए राइज इन कंडक्टिविटी विद दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि उनकी रेजिस्टिविटी घटती है। विद द डिक्रीजिंग टेम्परेचर देयर कंडक्टिविटी फॉल्स ऑफ, मतलब उनकी अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इनका जो टेम्परेचर कोफिशियंट नेगेटिव के साथ साथ लो भी होता है, ठीक है। आपको ये दो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। एक सेकंड वाला और ये फोर्थ लाइन का ये वाला जो लाइन है वो देखिए, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड दे रखा है मैंने, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो उसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। उसी तरीके से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें अगर हम, तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी अबाउट वन पार्ट इन 10^8, मतलब किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 10^8 पार्टिकल में अगर हम एक पार्टिकल भी अगर इम्प्योरिटी मिला दें तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए पेंटावेलेंट एटॉम हैविंग 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए आर्सेनिक और एंटीमनी और फास्फोरस ये तीन ऐसी इम्प्योरिटी हैं, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, डोनर एटॉम, डोनर मतलब दाता, दाता को बोलते हैं कि जिसकी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, या इसको एन टाइप भी बोलते हैं। पेंटावलम इम्प्योरिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी इम्प्योरिटी जिसकी आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जर्मेनियम के चार जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ एक एक करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्शन के लिए फ्री होगा। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो इस तरीके से वो बन जाएंगे एन टाइप, इसी को बोला जाता है एन टाइप। और दूसरा जो पॉइंट है ट्राईवेलेंट एटॉम हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो ट्राईवेलेंट एटॉम होते हैं उनके आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको बोला जाता है एक्सेप्टर एटॉम। मतलब अगर हम 3 संयोजकता का इलेक्ट्रॉन तीन संयोजकता वाला कोई भी इम्प्योरिटी जर्मेनियम में मिलाएंगे तो जो जर्मेनियम के आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 तो उनके साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे और जो चौथा इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके लिए उनको चाहिए पड़ेगा होल्स इलेक्ट्रॉन्स कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो उसमें एक तरीके से एक होल्स की जगह बच जाएगी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए,
तो इस तरीके से इसमें बोल सकते हैं कि जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम मिलाएंगे किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो बनेगा पी टाइप से या एक्सेप्टर एटॉम। ठीक है, इसी तरीके से जो इम्प्योरिटी मिलाने के क्रम में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। चलिए देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी किसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है उसमें अगर हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है पूरी तरीके से हमने जर्मेनियम में एक आर्सेनिक का परमाणु मिलाया है। आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन ने जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसी तरीके से तीसरे और चौथे ने भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और जो पाँचवा इलेक्ट्रॉन है ये वाला वो फ्री है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम मिलाएंगे तो उसमें एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। यहाँ पे जो नोट लिखा है वो क्या है, इन टर्म ऑफ एनर्जी लेवल द फिक्स्ड एंटीमनी इलेक्ट्रॉन हैज एन एनर्जी लेवल कार्ड डोनर लेवल। ठीक है, इसको दाता इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड यूजली द डोनर लेवल इज, देखिए डोनर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को जो परमाणु में फ्री घूम रहा है इसको हम बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए। तो ये था सीरीज का पार्ट 1। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।